अभी तो मैं आज ये पढ़ रहा था कि मायावती जी कह रही जो बीजेपी बोलती है उस पर सपा चल रही है, सपा बोलती है कि जो भाजपा कह रही है उस पर बसपा चल रही है, लेकिन ये सब भाजपा के खिलाफ अभी कितने दिन चुनाव हुए हैं मंत्री जी, का चुनाव पहले, पहले अखिलेश यादव की आईपी सिंह लगातार एक बात सिमिलर है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा और अभी ट्विटर के माध्यम से। मैं जानता हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, कमजोर हूं, इसलिए मेरे ऊपर हमला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जानते हो अभी सदन के अंदर किस प्रकार से जहर उगलने का काम करते थे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, हम तो सबका साथ सबका विकास सबको। 24 में खतरा आपसे ज्यादा है उनको, 24 में उनको खतरा आपसे ज्यादा है? मुझसे काहे खतरा है, उनको खतरा अपने परिवार से है। उनके चाचा उनको छोड़ के चले गए, उनके पिताजी मजबूरी में उनके साथ दिखाई देते हैं, उनके चचा आजम खां जी अब उनसे प्यार नहीं करते हैं, सब उनको छोड़ छोड़ करके एक एक करके जा रहे हैं। लेकिन उनसे मुझे, मैंने कहा मुझे समझना है, क्योंकि राजनीति की दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुनबे के आखिरी सुल्तान कह लीजिए, वो आखिरी शासक उत्तर प्रदेश के थे। अब मुझे नहीं लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी का भविष्य कोई भविष्य। सर, 8 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और इसका निर्माण कार्य जो सब लक्ष्य था पूरा करने का वो 7 मार्च 2021 था, और इसके बाद 15 जुलाई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। इसका सर जिले में जो गंभीर मरीज हैं आज भी बाहर रेफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले तो एक तो जितने भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वो EPC मोड पे बन रहे हैं। जो कॉन्ट्रेक्टर बनाता है उस कॉन्ट्रेक्टर को देर से बनाने के कारण उसको कोई अलग से पैसा नहीं मिल सकता, कोविड भी आ गया। दूसरा, जैसा आदरणीय दीदी जी बता रही, मैं वही बताने जा रहा था, कोरोना के कारण से बहुत सारी विकास योजनाएं कुछ समय के लिए प्रभावित भी हुई हैं, लेकिन हमारी कोशिश हर जनपद एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, और फतेहपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं इसके लिए बधाई आदरणीय दीदी जी सहित देता हूँ, इन्होंने बहुत कोशिश करके और फतेहपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया। कब तक लोगों को सर इलाज जो हम तो चाहते हैं कि आज से शुरू हो जाए, लेकिन उसमें जल्दीबाजी करने का नहीं, गुणवत्तापूर्ण ढंग से सब कुछ होना चाहिए, ये सरकार की मंशा है, और सारी सुविधा से युक्त होना चाहिए। फतेहपुर की किसी व्यक्ति को कानपुर, प्रयाग और लखनऊ इलाज के लिए न जाना पड़े, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।